ये सब बिदंगड़ा पिछड़ा अति पिछड़े बिल के इनका कहीं पे इशारा, निगाहें कहीं पे इशारा है। ये माननीय नेता की बातों पर से ज्यादा ये जो इम्पावरमेंट कर रहे हैं माननीय नेता, महादलितों को, दलितों को, अति पिछड़ों को, पिछड़ों को, उसकी साजिश है कि उसके खिलाफ ये लोग किसी तरह से ये बिल पास नहीं हो, क्योंकि आज बिल आना है। इन लोगों को तो उम्मीद नहीं थी कि माननीय नेता उसी दिन कैबिनेट कर देंगे, और दूसरे दिन माननीय नेता ने माफी मांग लिया, उसके बावजूद भी उनके ऊपर कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, शर्म करो। तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप 12वें की किताब में, एनसीईआरटी के किताब में जो बात नेता ने कहा है, वही बातों को आप एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप उसके लिए माननीय नेता से कह रहे हैं कि शर्म करो। तो माननीय नेता ने तो मान लिया कि ठीक है, हमको हो सकता है नहीं बोलना चाहिए, माफी मांगते हैं। अगर आप इससे हर्ट हुए हैं तो मैं माफी मांगता हूं, परंतु जब आप एनसीईआरटी के किताब में पढ़ा रहे हैं और उसके बावजूद सीबीएसई के आप किताबों में पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप दूसरे दिन ही बिदंगड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी नीयत अति पिछड़ों और महादलित को जो इम्पावर्ड करने के माननीय नेता का प्रयास है कि जातीय गणना करने के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार नीतीश कुमार जैसा महामानव पैदा हुआ जिसने हिम्मत दिखाई, केंद्र के मना करने के बावजूद राज्य सरकार के अपने पैसे से उन्होंने इस प्रदेश में जातीय गणना करा करके उनको इम्पावर्ड करने का प्रयास किया, उसके खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं और टारगेट नीतीश कुमार को कर रहे हैं। अमेरिका की एक अभिनेत्री भी इस वही कौन है ये, उसको वही है ना कि कोई नेत्री इन अमेरिका में क्या होता है लोग जानता नहीं है क्या, अमेरिका में कैसे सेक्स एजुकेशन दिया जाता है इसकी जानकारी नहीं है। ये तो एक जानबूझ के बिदंगड़ा किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड है सब, और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के इमेज को गिराने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलित है, दलित है, वो जानते हैं कि किस तरह से इन 18 वर्षों में नीतीश कुमार ने 40.48 करोड़ के अनुसूचित जाति जनजाति के बजट को 2000 करोड़ करने का काम किया है, और किस तरह से आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का काम किया। इन सब के बातों में आने वाले नहीं है ये लोग।